नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सेंट्रल विस्टा परियोजना पिछले कई दिनों से चर्चा में है। इस बीच केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां की कई तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट का विरोध करने वालों पर चुटकी लिया और कहा कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी, साथ ही साथ यहां आकर आइसक्रीम खाने का आनंद पहले से और भी बढ़ जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर लिखा कि हमारे मजदूरों की मेहनत और लगन आने वाली पीढ़ियों के लिए स्थापत्य विरासत को आकार दे रही है। आज मैंने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और संसद के नए स्थलों का दौरा किया। विद्वानों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शाम को यहाँ आइसक्रीम खाने का आनंद अब पहले से भी ज्यादा आएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को देश के लिए बेहद जरूरी बताते हुए इसके खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की समय सीमा 2024 है। मौजूदा संसद भवन में स्थान के अभाव और भविष्य में लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की संभावना के कारण नए संसद भवन तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में सभी मंत्रालयों के लिए एक नया केंद्रीय सचिवालय, एक नया संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को संग्रहालयों में परिवर्तित करने की योजना है। प्रधानमंत्री और उप राष्ट्रपति के लिए निवास और कार्यालय भी बनाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।